लगता है उसका भी वही होता होगा हुआ होता जो पहले हमारे सैनिकों का सर काटने की बात आई थी। लेकिन चूंकि ये दुनिया की भारत की एक ट्रीटी है, ये समझौता है कि किसी दूसरे का सैनिक अगर आपके यहां गिरता है तो उसको यथाशीघ्र उस देश को वापस करना होता है। युद्ध में लड़ता हुआ सैनिक उसको वापस करना होता है। हमने अब तक 90,000 ऐसे सैनिकों को पाकिस्तान को वापस कर दिया। तो सैनिक धर्म में गिरा है, हम तुम्हारे माता पिता का देश का सम्मान करते हुए तुमको वापस भेजते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने ऐसा गिने चुने बार किया, लेकिन इस समय जो सेना ने अपना रुतबा दिखाया, जो भारत की कूटनीति है, 50 घंटे के अंदर इतने देशों के फोन आए हैं पाकिस्तान को, गलती मत करना अभिनंदन को कुछ नुकसान पहुंचाने की, और 59 घंटे के अंदर हमारा अभिनंदन अपने देश में वापस आ चुका है। हमारी ये बीजेपी की बाइक रैली इसलिए भी जानी जाएगी जब हम अभिनंदन के लिए कहेंगे कि तू शौर्य है मेरे देश का, तू शौर्य है मेरे देश का, तू सूर्य है अवशेष का, तू गर्व हिंदुस्तान का, करे कोटि कोटि जन वंदन है, हे गर्वित माँ के अभिनंदन हे। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, 6 साल हो गए हैं मुझे पार्टी में शामिल हुए। आज जो है ये जो बाइक रैली संपल क्लब है, इसमें जो है मोदी जी को लाना है और हमारी जो 7 सीटें विधानसभा की इनको जो है विजयी बनाना है। जैसे लोगों की जो तड़प है वो स्पष्ट है, इन्होंने 4 साल में दिल्ली का सबका नाश कर दिया है, इन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है देशद्रोहियों के साथ है ये लोग, ये देशद्रोहियों से अलग नहीं है, ये देशद्रोहियों के समर्थक है। एक ही उद्देश्य है, हम अपनी नरेंद्र मोदी जी के और उनके सरकार का अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन इन 5 वर्षों में उन्होंने भारत के हर उस सेक्टर का ध्यान रखा है। सभी 65 साल में नहीं हुआ। इसी के साथ हम सेना का अभिनंदन करने के लिए भी हमारा भाव है, इसमें अभिनंदन के वापसी का भाव है, गर्व भाव है। हमारे देश की जो एकता है, ईसाई और आपस में सब भाई भाई इस भावना को समाहित हुए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को वापस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पे हम विजय संकल्प के लिए चल रहे हैं, और यही भावना लोगों से कहते हैं।